हेलो दोस्तों, नमस्कार। मछली और जियोलाइट का क्या कनेक्शन है, चलिए विस्तार से जानते हैं। कैसे इसको तालाब में डालें, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपने ये कहानी तो ज़रूर सुना होगा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो जरा आप सोचें, जब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है तो आपके तालाब में तो हजारों मछलियाँ हैं, वो पानी का क्या हाल करती होंगी, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। दोस्तों, मछली पालन में जो हम दाना या खरी ब्रान अपनी मछलियों को देते हैं वो पूरा नहीं खा पाती हैं, कुछ हिस्सा तालाब की बॉटम में जाकर बैठ जाता है। और मछली जो बिट करती है, यानी कि जो पोटी करती है, वो भी तालाब के सबसे निचले वाले लेयर में जाकर बैठता रहता है, यानी कि सारे वेस्ट पदार्थ तालाब की तलहटी में जाके बैठते रहते हैं। बस अब खेल यहीं से शुरू होता है, अमोनिया का। ये अमोनिया गैस इतना खतरनाक है कि तालाब की तलहटी से ये गैस धीरे धीरे निकलता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरे तालाब के पानी को ही दूषित कर देता है। ये गैस इतना खतरनाक है कि मछली के ग्रोथ को भी पूरा का पूरा प्रभावित करता है। मछली तो आपका दाना खाती जाएगी, लेकिन दाना खाने के बाद ये पानी में बेचैनी की हालत में रहेगी, और दाना या खली ब्रान जो भी आप देते हैं उसको अच्छे से ये पचा नहीं पाएगी, यानी कि डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। आधा पचा हुआ दाना वैसे ही पानी में बिट कर देगी, ये बिट फिर तालाब की तलहटी में जाएगा और अमोनिया गैस तेजी से बढ़ने लगेगा। यहाँ मछली पालक भाई को दो नुकसान हुआ, पहला उसका फीड बर्बाद हुआ और दूसरा मछली का ग्रोथ भी नहीं हुआ, और ऊपर से पानी भी गंदा हो गया। दोस्तों, अमोनिया गैस एक लौता गैस नहीं है। अमोनिया जब तालाब में होता है तो अपने साथ अनेक प्रकार के हार्मफुल गैस लेके आता है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट। अगर समय पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये पूरे इंटायर कल्चर को ही बर्बाद कर देता है। मछली पालन में इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों को जानना कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है। फंगेसियस और IMC मछलियों के पालन में यही तो होता है, लोग बाग दाना खिलाते जाते हैं और पानी के पैरामीटर को मेंटेन नहीं करते, और जब अपने तालाब में जाल डाल के मछली निकालते हैं तो या तो उनका साइज छोटा होता है, या फिर 5,000 मछली की जगह पे 3,000 मछली ही तालाब से निकलती है। जब तक मछली तालाब में 100 ग्राम से 200 ग्राम तक रहती है तब तक तो कोई समस्या नहीं होती है। जब मछली 400 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में पहुंचती है तभी अमोनिया वाला मैटर, तालाब से बदबू आना, तालाब का पानी मोटा हो जाना, ये सारी समस्याएं तभी शुरू होती है। मैं मछली पालन करता हूँ, मुझे मालूम है। दोस्तों, जब आपकी मछली 400 ग्राम या 500 ग्राम की हो जाए तभी से आप महीने में दो बार 1 एकड़ में 20 kg जियोलाइट का प्रयोग करते रहें, यानी कि हर 15 दिन पे आपको जियोलाइट का प्रयोग करते रहना है। और जब आपकी मछली 500 ग्राम से 600 ग्राम या इससे ऊपर की हो जाए तो महीने में 3 बार जियोलाइट का प्रयोग करें। अब जियोलाइट डालने में भी लोग बाग गलती कर देते हैं, जैसे जियोलाइट दो तरह का आता है, एक दानेदार होता है और एक पाउडर में। दानेदार वाला तो आसान है, पैकेट खोला और तालाब के चारों तरफ से डाल दिया, वो सीधा तालाब की तलहटी में पहुंच जाता है और नीचे से ही अमोनिया को सफाया करना शुरू कर देता है। लेकिन जो पाउडर में आता है वो तालाब की तलहटी में आसानी से पहुंच नहीं पाता है, लोग बाग रेत में मिलाकर तालाब में डालते हैं तो आधी दवा तो हवा में ही उड़ जाता है और कुछ पानी में ही ऊपर ऊपर घुल जाता है, वो पूरा अच्छे से तालाब की तलहटी में नहीं पहुंच पाता है। पानी में जो गैसेस रहती हैं वो तो खत्म कर देता है, लेकिन तालाब की तलहटी में जहां से गैस निकलती रहती है वहां नहीं पहुंच पाता है। आप पाउडर वाला जियोलाइट जब भी अपने तालाब में डालें तो उसको छोटा छोटा लड्डू टाइप का बना लें, यानी कि पैकेट को खोलकर एक टब में डाल दें और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको छोटा छोटा गोल गोल बना लें, जितना बड़ा लड्डू होता है, फिर उसको तालाब के चारों तरफ से पानी में डाल दें। इस तरह से अगर आप डालते हैं तो यह सीधा तालाब की तलहटी पर जाएगा, यानी कि तालाब के बॉटम में जाएगा, और अमोनिया या जितने भी आपके तालाब में हार्मफुल गैस बने हैं सबको खत्म कर देगा, जैसे तालाब से बदबू आना, तालाब का पानी मोटा हो जाना। दोस्तों, एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, जियोलाइट अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं, जैसे बिरबेक कंपनी टॉक्सिमार के नाम से बनाती है, बायोमेट कंपनी जियोसॉल के नाम से बनाती है, लेकिन सबका फार्मूला एक ही होता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो ऐसे ही मछली पालन में बारीकियों को समझने के लिए बने रहे हमारे फिश पॉन्ड चैनल पे। धन्यवाद।